कोरोना के बीच बढ़ेगी महंगाई। सातवें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लगातार कीमतों में हो रहा इजाफा। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में हो रही कमी, सरकार फायदा दे तो 20 रुपए सस्ता मिले पेट्रोल डीजल। कोरोना की जंग के साथ अब महंगाई से लड़ने के लिए भी आम जन को तैयार रहना होगा। बढ़ते तेल के दामों ने इसके संकेत दे दिए हैं। पिछले 7 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पिछले 7 दिनों में कीमतों में 4 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों को देखा जाए तो इसी साल जनवरी में 68 के मुकाबले ये 38 पर आ गई है, लेकिन इस दौरान कीमतों में 8 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर बाजार पर भी देखा जा सकता है। कांग्रेस बना चुकी है इसको मुद्दा, जीएसटी के दायरे में लाने की कर चुकी है मांग। तेल का असल दाम है 20 रुपए, लेकिन आमजन चुका रहा है 70 रुपए से ज्यादा। सेस और वेट में केंद्र और राज्यों के राजस्व में जाता है पैसा। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट भी आ रही है, जबकि जनवरी महीने में कच्चे तेल की कीमत $68 प्रति बैरल थी, जो कि जून में आते आते $38 बैरल हो गई। तो उधर यदि खपत की बात की जाए तो पिछले महीने के बजाय खपत जरूर बढ़ी है, लेकिन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये मांग 23% तक कम है। लेकिन केंद्र और राज्यों के बढ़े हुए टैक्स ने कीमतों में इजाफा किया है। देश में पेट्रोल डीजल का टैक्स 69% हो गया है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा सभी सरकारों में रहा है। सरकारों ने महंगाई को लेकर सियासत जरूर की, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद कांग्रेस ने इसको जीएसटी के दायरे में लाने की मांग भी की, लेकिन मुद्दे पर सियासत जारी है, आम जन इसको भुगतने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जनटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कच्चे तेल के दाम एकदम नीचे, लेकिन जो प्राइस आप पे कर रहे हैं फ्यूल की वो है काफी ज्यादा। क्या है खेल इसका,
डेवलपमेंट के नाम पर सरकारी चार्ज लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर तरह का सेस अगर पेट्रोल के जरिए डीजल के जरिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हर चीज पे दिनचर्या से जुड़ी कोई भी चीज हो उस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। कई मरतबा फ्यूल प्राइस को बढ़ाने पर देश के अंदर लॉकडाउन यानी कि बंद कर दिया गया है, अनिश्चितकालीन हड़तालें कर दी गई हैं। लेकिन अब हो क्या गया कि 2016 के बाद से लगातार फ्यूल प्राइस जो है डेली बढ़ती जा रही है। जून का महीना ही था जिसमें पहले पेट्रोल फिर डीजल, अब दोनों ही है और एवरीडे। उस वक्त फ्यूल कंपनियों का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने भी विरोध किया था कि ये ग्राहक के लिए दिक्कत रहेगी, हमारे लिए बड़ी मातापची रहेगी। लेकिन खैर, सरकारों का अपना रोल है और जो आदेश देती हैं उसी पे यकीन करना होता है कि शायद देश हित में लिया होगा। लेकिन ऐसा भी हित समझ से बाहर है कि आप फ्यूल प्राइस जो क्रूड ऑयल के हैं वो एकदम नीचे हैं और आप जो कंज्यूम कर रहे हो उस फ्यूल की प्राइस एकदम आसमान में, ये कुछ गले नहीं उतर रही है बात। आखिर क्या है वजह, इसको लेकर के हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ सुनीत बगई साहब हैं, राजस्थान फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ भाजपा से शील दवाई जी हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हैं, आम आदमी पार्टी से चंद्रमुखी जी, आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीत साहब आपके पास आना चाहूंगा। चार दिन पहले भी जब जनटीवी से आपकी चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि सोच से परे है सरकारों का ये कदम, हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि ग्राहक को बेवजह इस तरह के प्राइस और दाम का सामना करना पड़े, कहीं ना कहीं आपको उसको संतुलित करना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले स्ट्राइक के लिए भी चेतावनी दी कि ये इसमें स्ट्राइक पे जा सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या डेवलपमेंट के नाम पर केवल हम टैक्स फ्यूल के जरिए वसूल सकते हैं? नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लगभग 18 रुपए के आसपास प्रति लीटर चल रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ आज भी दाम अगर देखें तो 82 रुपए लीटर के करीब पेट्रोल है और 74 रुपए डीजल है। ये मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। अगर अपन जयपुर से और दूर जाएंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर, तो ये और भी वृद्धि होगी। आज इससे स्पष्ट है कि सरकारें बिल्कुल भी लोगों की तरफ नहीं देख रही हैं और टैक्स इतना बेहताशा बढ़ा रही हैं जिसकी कोई आधार नहीं है। अभी विश्व में भारतवर्ष का जो टैक्स है वो 275% पहुंच गया है, जबकि औसतन टैक्स पिछले साल 107% था। इससे स्पष्ट है कि सरकारें इतना टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाई जिससे कि इस फ्यूल के दाम से जनता को बहुत भारी लाभ मिल सके। एक और पाकिस्तान जैसी कंट्री ने 25 रुपए लीटर दाम कम किए हैं और हमारे यहाँ उतने से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। समझ में नहीं आ रहा सरकारें क्या चाहती हैं। अगर इस प्रकार का टैक्स लगाना है तो हम तो सोचते हैं कि इसको एक बार में ही बढ़ा के इतना टैक्स कर दें और बाकी सारी चीजों को टैक्स फ्री कर दें और इसमें पारदर्शिता तो लाएं। आज सरकार बार बार बोलती है कि पारदर्शिता लाएंगे, रेट आपको बताएंगे कितने का तेल आ रहा है, कितने का हम दे रहे हैं, परंतु 60 दिन तक रेट नहीं बदलते, उसके बाद अचानक रेट में बदलाव ले आते हैं, तो पारदर्शिता कहाँ है? रेटों को तो इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और अपनी मर्जी से रेट तय करते हैं। जब तय हुआ था पहले पेट्रोल फिर जब डीजल पे एवरीडे प्राइस को लेकर के जब डिक्लेरेशन दिया, उसके बाद ये कहा गया था कि एवरीडे प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी जो फ्यूल कंपनियां हैं उनकी पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस पे एवरीडे जो है उसको भी अपडेट नहीं कर रहे। ये मैं वही कह रहा हूँ, पारदर्शिता को लेकर जब बात आती है सामने सरकार की और ऑयल कंपनियों की, तो आप देखिए कि पारदर्शिता में ये होता है कि क्रूड पेट्रोल कितने का आया, उसकी क्या कॉस्ट लगी, कितना उस पर ड्यूटी लगी, कितना डीलर को मार्जिन मिला, कितना भाड़ा लगा और कितने का तेल एक ग्राहक को मिल रहा है। परंतु पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है, पर रेटों में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शील दवाई जी आपके पास आना चाहूंगा, संगीता गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। पेट्रोल पे 16 से चले डीजल, बगई साहब 12 से पेट्रोल पे शुरू किया जून 12 से कि रोज दाम बढ़ते जाएंगे और उसके पीछे सरकार ने लॉजिक ये दिया था कि अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड प्राइस अगर कम होंगे तो राहत भी मिलेगी, ये कहा गया था शायद अगर मैं
ये अभी भी फॉर्मूला फॉर्मूला इसी पे है, लेकिन वो जब भी गिरने की बात आती है तो ये लोग अपना अपना टैक्स बढ़ा देते हैं और वो गिरने की बजाय बढ़ने लग जाता है। हाँ बिल्कुल वही बात है। तो शीलदा भाई जी आपके पास आना चाहूंगा मैं सबसे पहले, तो जब यूपीए गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे शुरू किया, आप लोगों ने डीजल पे भी शुरू कर दिया, आज दोनों को ले देना पड़ता है हमें, और आप देख सकते हैं कि जो साइट है किसी भी कंपनी की उस पे कायदे से आपको एवरी डे उसको अपडेट करना है कि आज की प्राइस ये है, क्रूड ऑयल ये है और हम इतना ले रहे हैं, लेकिन कोई नहीं होती है। आपको ध्यान होगा कि जब इलेक्शन थे उस दौरान ये जो बता रहे हैं बगई साहब वो वही जिक्र कर रहे हैं, 60 दिन तक लॉक कर दिया या 1 महीने तक रेट नहीं बढ़ाई, बिल्कुल उसको स्टेबल कर दिया कि हाँ बिल्कुल यही रेट है। उस समय जंप भी किया, क्रूड ऑयल के रेट भी बढ़े, लेकिन पास पैसे नहीं बढ़ाए गए, वो सिर्फ इस वजह से कि देखिए साहब हम महंगाई का कोई एनडीए गवर्नमेंट ने महंगाई नहीं बढ़ाई है। महंगाई हमेशा मुद्दा रहा है राजनीतिक दलों के लिए, अब जनता को कितनी राहत मिल पाती है ये कोई पता नहीं है, आप लोग सब देखते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है 3 बार भारत बंद करवाया फ्यूल प्राइस को लेकर के, और जब जून 12 के अंदर पेट्रोल के दामों में पेट्रोल के दाम रोज के हिसाब से तय हो रहे थे, उस समय भी बीजेपी ने कॉल किया, विपक्षी दलों ने कॉल किया कि यूपीए सरकार डुबो देगी देश को, लेकिन उसके आगे आप 2 कदम आगे गए, आपने डीजल के भी शुरू कर दिए। अब हो ये रहा है कि बड़ी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि रोज बढ़ा रहे हो, पहले तो 50 पैसे फ्यूल प्राइस बढ़ते थे तो अगले दिन कॉल लीडर्स के स्टेटमेंट जारी कि ये बढ़ाने से तो इसमें ये चीज महंगी होगी ये महंगी होगी, अब तो 3-3 रुपए बढ़ जाते हैं तो महंगाई नहीं हो रही है क्या? जब कुर्सी पे बैठते हैं तो मायने अलग होते हैं, जब हम बाहर होते हैं तो मायने अलग होते हैं। ये फ्यूल प्राइस जो रोज अखबारों में आ रही है, चैनल्स पे चल रही है, इस पे कोई रिएक्शन आता है? कभी पूछते हैं आप लोग पार्टी स्तर पे कि हम लोग जब अपोजिशन में थे तो कभी भारत बंद करते थे, कभी धरने देते थे, कभी प्रदर्शन करते थे, अब जनता को क्या जवाब दें? आपकी परिस्थितियां और जो पहले परिस्थितियां थी उनमें रात दिन का अंतर आ गया। अब जिस तरह से COVID-19 पूरे विश्व में जिस तरह से महामारी फैली, पूरा विश्व जब लॉकडाउन हुआ तो जब इसकी रेट्स माना के बिल्कुल कम रही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी रेटें कम है, लेकिन अब जब ये खुला है तो इसकी पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो बढ़ी है। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी 5 जून को रेट्स बढ़ाई थी, सेस बढ़ाया था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी 10 या 20 रुपए 15 रुपए जो भी बढ़े उससे कोई ज्यादा जनता में फर्क आने वाला नहीं था। लेकिन आप राजस्थान सरकार की देखिए, राजस्थान सरकार अब तक 3 बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा चुकी है। पहली बार इन्होंने 21 मार्च को 4% रेट बढ़ाई, उसके बाद में 15 अप्रैल को उन्होंने 2% पेट्रोल पर और डीजल पर बढ़ाया, अब तीसरी बार फिर बढ़ाया। ये सिर्फ बहाना ले रही है कि राजस्थान में कोरोना जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, इसमें अपने खजाने को कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, और बार बार केंद्र की सरकार की तरफ ही अपना हाथ बढ़ाती है कि आप हमें कुछ सहायता करिए, केंद्र सरकार ने भी की है। तो ये जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकार की है कि पेट्रोल केंद्र ने 10 रुपए 15 रुपए 30 रुपए जो बढ़ाए हैं वो ज्यादा जनता पर असर आने वाला नहीं है, लेकिन क्या है वजह? सारी इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वो अब तक पेट्रोल पे 8% और डीजल पे 6% सेस ये बढ़ा चुकी है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि वो धन कलेक्शन का संसाधन इसी को ना समझ के और भी मद है और भी क्षेत्र है उनसे वहां पर कलेक्शन करें और जनता को राहत प्रदान करें। बताइए शीलता भाई जी एक बात बताइए, सुनीत बगई साहब ने यह बात बोली, इस वजह से कोई रिएक्ट नहीं कर सकता? अगर यही बात संगीता गर्ग अगर कर रही होती तो आप कहते कि देखिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इमरान खान का बचाव कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इमरान खान का पिछले दिनों ही बयान वायरल हुआ और उसमें साफ कहा उन्होंने कि कोविड से निपटने के लिए इस वक्त बहुत जबरदस्त है, लोगों पर हम बाहर नहीं डालना चाहते, यही एक जरिया नहीं है। लेकिन अभी अगर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो गैर एनडीए दल का हो तो वो कहे कि देखिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं फ्यूल में भी, ये सब जानते हैं बगाई साहब जो बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय इनके पास में सारा इंडेक्स है कि एशिया में क्या प्राइस है, यूरोप में क्या है और दूसरे यूएस में क्या है, सब जगह का इनको पता लग जाता है। इसी तरह से कंट्रीज का भी पता लगता है कि इससे आगे किस कंट्री में क्या प्राइस चल रही है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि राजस्थान में भी एक रेट नहीं है, जयपुर में कुछ रेट है 70 पैसे या 37 पैसे ऐसे कुछ ज्यादा आपको हनुमानगढ़ गंगानगर में मिलेगी,
बीकानेर से आगे आप राजस्थान स्टेट की जो रेट्स है दूसरे स्टेट से आप कंपैरिजन करिए, 10-10-12 रुपए का अंतर है, ये सब क्यों? तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल सोच, मैं वो जवाब मैं यही कह रहा हूँ, मैं जवाब वो संगीता जी से लूंगा। आप तो अपना जवाब देने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये आप अपना जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार जो बीजेपी भारत बंद, तुरंत महंगाई के नाम पर भारत बंद, सबसे ज्यादा आंसू आप ही लोगों ने पहुंचे थे जब विपक्ष में थे, तो अब क्यों बाहर आए लोगों के? अब इनके राहत मैडम को बताना चाहूंगा कि 18 बगैर साहब क्या कह रहे हैं, बगैर साहब को सुनिए एक बार, 18 रुपए लीटर के पेट्रोल पे केंद्र सरकार 33 रुपए लीटर टैक्स ले रही है। 18 रुपए लीटर जो पेट्रोल आ रहा है उस पे टैक्स 33 रुपए केंद्र सरकार ले रही है। तो मैडम ये तो बताएं कि ये 33 रुपए टैक्स का मतलब क्या हुआ, जब 18 रुपए का तो खरीद है तेल का आज की डेट। नहीं देखिए, ये जो रेट्स निर्धारित की जाती हैं वो सारी बातों को ध्यान में रखकर, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और कंपनियों को ध्यान में रखकर और जनता के फायदे को ध्यान में रखकर, स्टेट की जो परिस्थितियां होती हैं, शील जी, अगर स्टेट की जो परिस्थितियां हैं वो गैर वाजिब है और केंद्र अगर बढ़ा रहा है तो वाजिब है, लेकिन ये बताइए साहब परिस्थितियां अभी समझ में आ रही है? उस वक्त जब 67 था, 65 था पेट्रोल, तो उस समय भारत बंद, और अब हम जम खा के कहां से कहां जा रहे हैं, तो कि नहीं परिस्थिति ऐसी है। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, तब तक आप परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए इस पे आप मंथन करिए। मैं संगीता गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। संगीता जी, राहत देने की बात है, अगर हम बात करें नेवर स्टेट्स की, तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से कम प्राइस है वहां पे, बगई साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बॉर्डर एरिया वाले भिवाड़ी है, बहरोड है, उधर के पेट्रोल पंप उनकी बड़ी मजबूरी है, पेट्रोल पंप चलाना ही उनकी बहुत प्रॉब्लम से है वो लोग, क्योंकि जो आदमी गाड़ी लेकर के दिल्ली जा रहा है या हरियाणा जा रहा है वो वहीं से टैंक फुल करा करके आता है। बगैर साहब ऐसा ही हो रहा है? अभी तो हालत ये है कि डीजल के अंदर हम भारत के अंदर सबसे महंगे हैं, तो अभी कोई भी डीजल हमसे नहीं खरीदना चाहता, वो जिस भी स्टेट से आएगा वहीं से डीजल लेके आएगा और आने जाने का लेके आता है। हाँ। तो हमारी बिक्री लगातार गिर रही है। इसका ताजा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा छोटा सा। अभी जब लॉकडाउन हुआ तो पंजाब की सीमा को जब सील किया गया तो गंगानगर की सेल 125 गुना हो गई, मतलब 5 गुना सेल उनकी बढ़ गई, 125% हो गई, जबकि लॉकडाउन में बाकी राजस्थान के हिस्से में बिक्री सिर्फ 15% रह गई। तो स्पष्ट है कि 15% की जगह 125% हो गई उनकी बिक्री लॉकडाउन की वजह से, जो कि स्पष्ट करता है कि अगर रेट सही होंगे स्टेट के तो ही ये बिक्री बढ़ सकती है और राजस्व बढ़ सकता है। हमारा उल्टा काम हो रहा है, रेट बढ़ाए जा रहे हैं और राजस्व को नीचे लाए जा रहे हैं। जी संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर केंद्र बढ़ाई जा रही है तो कम से कम आप तो जनता के दर्द को समझिए। दर्द है, दर्द क्यों है मैं बताता हूं आपको, कि डीजल से हर व्हीकल चल रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, गुड्स के लिए काम आता है। पेट्रोल तो चलिए हम पर्सनल व्हीकल्स को काम लेते हैं, टैक्सी में काम लेते होंगे, लेकिन वो डीजल तो आपके हर उसमें काम आ रहा है। अगर आज कहीं पे क्रॉप भी लेके जानी है, ट्रैक्टर भी कहीं चल रहा है, या अगर वो मंडी तक भी अगर सामान लेकर के आ रहा है, तो रसद कहीं से आ रहा है ट्रक के जरिए, तो आपका डीजल से आ रहा है, उसका हर जगह इम्पैक्ट आएगा। और कोई भी कॉस्ट तय करता है, कोई भी कॉस्ट अगर व्यापारी तय करता है, आप तो खुद भी व्यापारी भी हैं, वह एक एक चीज के खर्चे को लगा करके जोड़ के, और उसके बाद खर्चा तो यहाँ तक हो गया दिवाली के लोग गिफ्टों के खर्चे भी अपने उसमें जोड़ लेते हैं और उसके बाद में उसकी प्राइस तय करते हैं। तो क्यों राजस्थान की जनता पे इतना भार लादा जा रहा है? जी संगीता जी, संगीता जी आपकी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है आपकी, आप एक बार देखिए अपने वासी को टेक्निकल। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए योगेंद्र जी, हिंदुस्तान इस समय एक नाकाम और असंवेदनशील सरकार का खामियाजा भुगत रहा है। एक COVID-19 के समय भी तेल की कीमतें निरंतर और लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में सरकार को, भाजपा सरकार को, विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने से ध्यान हटाकर अगर देश में बढ़ती महंगाई की तरफ अगर जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाता,
तो मुझे लगता कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन बड़ी विडंबना और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के भाजपा सरकार, हमारी अशीष जी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, लेकिन विडंबना और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि देश की भाजपा सरकार सिर्फ किस राज्य की सरकार किस तरीके से गिरानी है, किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की जानी है, इस पर ध्यान मैं आपको आपको कहना चाहूंगी, हमारा देश मात्र ऐसा देश है, हमारा देश मात्र एक ऐसा देश है जहां पूरे पूरे विश्व में 70% टैक्स लगाने वाला हमारा देश है। और ये तो भाई साहब ने खुद ने निवेदन करके और सच्चाई से अवगत करा दिया है शील जी आपको कि जून माह में, एक मिनट शील जी चलिए संगीता जी मैं अगर आंकड़े बताऊंगा तो आपको गलत लगेगा, मैं आंकड़े बताऊंगा गलत लगेगा। भगई साहब राजस्थान रेवेन्यू का वसूल करता है, जरा ये भी बता दीजिए केंद्र सरकार टैक्स के जरिए वसूल कर राजस्थान में ले रहे हैं, पेट्रोल पे राजस्थान 22 रुपए लीटर टैक्स ले रहा है और डीजल पे 16 रुपए लीटर, सारे कानूनों का धज्जे उड़ा रहे हैं, डिस्टेंसिंग की धज्जे उड़ा रहे हैं, लीटर पेट्रोल पे और 16 रुपए लीटर डीजल पे टैक्स लिया जा रहा है। ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का बता रहा हूँ जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर देश में कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो उसका जो पूरा जो असर है वो पूरे देश में आता है, ये नहीं है कि आपने देश में लागू कर लेकिन संगीता जी हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब गुजरात यह लोग तो कुछ खा रहे हैं, सबसे ज्यादा 12 रुपए का डिफरेंस है। मैं आपको बता देती हूँ कि 5 मार्च को 3 रुपए प्रति लीटर जो दाम बढ़ाए उससे सरकार ने 39,000 करोड़ रुपए कमाए थे, उसके बाद 5 जून को बढ़ाए सरकार ने 1,60,000 करोड़ रुपए कमाए थे। तो ये जो कमाया जा रहा है पैसा वो क्या जनता पे खर्च किया जा रहा है या सिर्फ विधायकों की खरीद में खर्च हो रहा है? सारा जनता 20 लाख करोड़ जो पैसा दिया है वो राज्यों के लिए दिया है, वो कहाँ से दिया है? केंद्र सरकार ने दिया, राजस्थान सरकार दिया नहीं है, ये अनाउंसमेंट है, ये दिया नहीं है अभी पैसा दिया नहीं है। सुमित बगई जी एमएसएमई में भी काम करते हैं, पेट्रोल के अलावा वो बता सकते हैं कि पोजीशन क्या, अभी ऐसा भी आया नहीं है। एक तरफ तो आप सुनिए रात की बात करें, दूसरी तरफ मैं आपको वो एसएमएस लोगों के दिखवा सकता हूं जो एसबीआई के जरिए ही प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपने किस्तों को सही समय पर आप दीजिए। आपने यहाँ पे राजस्थान में भी आज आपका यही जो सिलसिला जारी है उसको आपने बंद नहीं किया क्योंकि आपका जो ध्यान है वो जनता की समस्याओं पर नहीं है। संगीता जी चलिए आपने उनको तो आईडी दिखा दिया, आप ये तो बताइए बाहर के एमएलए इसको बुला के कितने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहाँ ध्यान है आपको चुनाव का ध्यान है, जनता का ध्यान नहीं है। मेडिकल की क्या स्थिति हो रही है, लोगों को हॉस्पिटल्स में जाकर देखिए लोग भूखे मर रहे हैं, आप बार बार इन लोगों को दिखा रहे हैं हम इतना भेज रहे हैं, आप जाके देखिए लोगों के पास। मैं चंद्रमुखी जी हमारे साथ में, मैं चंद्रमुखी जी के पास जाना चाहूंगा, एक बार मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। चंद्रमुखी जी भी हमारे साथ में इस वक्त आम आदमी पार्टी से। चंद्रमुखी जी जी योगेंद्र जी, डीजल पेट्रोल निश्चित रूप से बूते से बाहर हो रहा है, एक तरफ तो लोगों के पास में रोजगार का संकट है, दूसरी तरफ किस तरह से अपना दिन निकाल रहे हैं कि चलिए कोविड से आज बच गए, कल जो आदमी घर से बाहर निकलता है डर लेकर के निकलता है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी निकलता है जो घर की दहलीज से बाहर निकल रहा है एक डर लेकर निकल रहा है। अगर आप स्ट्रोंग है, आप डर नहीं रहे तो निश्चित रूप से पीछे से जो बैठे हुए हैं वो भगवान का नाम लेते हैं कि शाम तक सकुशल लौटे, ईश्वर इनकी रक्षा करना, हर घर में यही हो रहा है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई वाहेगुरु याद कर रहा है, कोई अल्लाह को कर रहा है, जिसका जो धर्म है वो उसको याद कर रहे हैं। तो एक तरफ ये डर है, दूसरी तरफ जब हम फ्यूल लेने जाते हैं तो पता लगता है कि 3 दिन पहले तो हमने ये पैसे दिए थे, आज ये क्यों दे रहे हैं? हर आदमी को पता नहीं है कि डेली फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो पैसे देते हैं और पेट्रोल लेते हैं, तो देखते हैं कि 2 दिन पहले तो ये रेट थी, आज क्यों हो रही है ये। लेकिन अपोजिशन के मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं,
अब तरीका दूसरा है कि अपनी बात कहने का, तो वर्चुअल आंदोलन ही करिए। आम आदमी पार्टी भी शांत क्यों बैठी है राजस्थान में कि फ्यूल प्राइस ये बढ़ रही है, लोग परेशान है, आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो विपक्ष की भी कोई भूमिका होनी चाहिए। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे फ्यूल की बात कर रहे हैं, आज की डिबेट अपनी है वो मेन है वो फ्यूल के लिए है, तो फ्यूल अपना इतिहास में फर्स्ट टाइम इतना स्लो डाउन देखने को मिला है 1946 के बाद, माइनस में आपको कच्चा तेल मिल रहा है। हाँ। और उसमें अपने सारे इकोनॉमिस्ट की यही राय होती है कि जब भी कच्चे तेल के दाम गिरते हैं हमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, हमारे महंगाई कम होती है, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इससे इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं। और लॉकडाउन के टाइम हमारा सड़क यातायात और हवाई यातायात कंप्लीट रूप से बंद था, ये सब लोग जान रहे हैं अपने। उसके बाद लोग कंपनीज के पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं थी, इतने कम दाम में मिला, और उस चीज को क्या गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, लेकिन ऐसे महामारी के टाइम जनता भी तो जूझ रही है, जिनको रोटी के लिए मतलब टुकड़े टुकड़े के लोग तरसे हैं, जो मजदूरों के हाल हमने देखे हैं पिछले दो महीने में। पहली बात, दोनों ही सरकारों ने उनके लिए क्या, सील जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बात कंप्लीट करने देंगे, सबकी बात सुनेंगे तो डिबेट में सबको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोनों ही पार्टीज ने सबसे पहले गरीब मजदूर, जो दो महीने से सब लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, इवन सड़कों पे भी हम लोग देख रहे हैं कितना बुरा हाल हुआ, जो पैसा इकट्ठा करें चलो ठीक है कि फ्यूल के बहाने ही गवर्नमेंट दोनों अपनी इनकम बढ़ा लें, लेकिन उसको कहीं से कहीं पब्लिक के काम तो है। ये नहीं कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त दो महीने पहले था, एमपी में ये सब था, जो कोरोना का है सबसे बड़ा जो अपना अहमदाबाद में जो नमस्ते ट्रंप हुआ, गुजरात में उसका नतीजा अपने को देखने को मिल रहा है, उसके बाद एमपी में जो उठा पटक हुई सरकार का, जो आपको चेंजेस करने हैं उसकी वजह से पूरे देश को जी चले, मैं लौटूंगा, वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में, यह छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम फ्यूल प्राइस के पीछे अगर राज के वास्तव में विकास के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है या कोई दूसरा भी जरिया हो सकता है, यहाँ राहत क्यों नहीं दी जा रही। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिनचर्या पे पूरी तरह से, आपके रसोई पे, आपके सुबह से टूथपेस्ट से लेकर के रात को अगर सोते हैं दूध पी करके, तो वहां तक उसका असर आता है। जब भी तो कई बार कहा जाता है अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो देश बंद, लोकसभा में चर्चा, विधानसभा में चर्चा क्यों होती है, सिर्फ इसी वजह से होती है कि मूल जड़ महंगाई की फ्यूल प्राइस भी होते हैं, वो अगर कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी आ रहा है तो उसके पैसे बढ़ना लाजमी है। अगर आपके जो गाड़ी ड्राइवर या ट्रक मालिक अगर कोई डीजल पेट्रोल डीजल ले रहा है तो वो अगर पे ज्यादा करेगा तो अपना भाड़ा ज्यादा बताएगा, तो वहीं से इसका गणित शुरू हो जाता है। आपके मशीन में अगर कहीं पे प्रोडक्शन में डीजल अगर यूज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन आपका ज्यादा पड़ रहा है, तो तमाम जो चीजें हैं वो उसी से जुड़ी हुई है। ब्रेक से पहले मैं चंद्रमुखी जी के पास में था, मैं वापस लौटूंगा उन्हीं के पास में। चंद्रमुखी जी, आपने सुना संगीता गर्ग जी को भी, राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, सेंट्रल में शीलता भाई जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आप लोग भी विपक्ष की भूमिका में अलग अलग राज्यों में हो, दिल्ली में आपकी भी सरकार है, यहाँ भूमिका आप लोगों की भी होनी चाहिए कि चलिए अगर लॉकडाउन है तो कोई बात नहीं, जब वर्चुअल रैलियां हो सकती हैं तो आप लोग वर्चुअल विरोध नहीं कर सकते हैं कि इतना पैसा किस पे, ये भार क्यों लादा जा रहा है, अपने खुद के लोग हैं, इतना पैसा नहीं, क्योंकि एक तरफ तो जैसे मैंने कहा कि लोग दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और अगर फ्यूल प्राइस भी अगर इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो महंगाई का क्या होगा। जी योगेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगी, जैसे अपनी गवर्नमेंट्स ने है, स्टेट गवर्नमेंट ने सीएम फंड इकट्ठा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड इकट्ठा किया, अब उसमें भी काम नहीं चला, जनता को उससे क्या मिला क्या नहीं मिला, भले वो 20 लाख करोड़ का पैकेज बता रहे हैं, बट हकीकत हम सब जानते हैं कि वो 20 लाख करोड़ में आम आदमी को क्या मिलने वाला है, अभी तक वो चीज कहीं नजर नहीं आ रही, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जनता को जो जरूरत है तत्काल सहायता की जरूरत है। जब लोग जा रहे थे, मजदूर घरों में पैदल जा रहे थे, जब उनको साधन मुहैया करवाने चाहिए थे, कितने लोग सड़कों पे रेल की पटरियों पे मरे, किसी को कोई सहायता नहीं दी गई, और जब सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच गए तो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, अब वही अब जैसे बात करते हैं अपने फ्यूल की, पेट्रोल की, कच्चे तेल की वजह से जो इतना
कम रेट्स पे अपने को मिल गया और जिसका ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट का भी अपनी इकोनॉमी डाउन है उसको हम कोविड को ही इसका कारण नहीं मानते हुए 2019 दिसंबर क्वार्टर का आप जहां पे भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को डाटा को चेक करेंगे इकोनॉमी हालत अपनी पहले से भी बहुत खराब थी और कोविड के बाद तो चर्चा करने लायक भी नहीं बची, इतना बुरा हाल हो गया है लोगों का। अब मध्यम वर्ग को अपने बात करते हैं, सैलरी क्लास लोग जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, कितने लोग जो प्राइवेट जॉब करने वाले थे, कितने लोग जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, एमएसएमई के जो बिजनेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बताया कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनके लोन की गारंटी वो देंगे, लेकिन उस हकीकत को जब देखा जाए वो लोन किसको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, वो भी भार एक तरह से जनता पे ही आना है, उसको हम देखते हैं, यदि डिटेल में जाते हैं उन चीजों को देख रहे हैं। अब जैसे सील धवाई जी ने बताया कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया, मैं सील धवाई जी को बताना चाहूंगी कि उसकी तह में जाके उसको देखिए कि उसमें किसको क्या मिलने वाला है। जो एमएसएमई में 20% एक्स्ट्रा लोन की जो बात की गई है वो लोन किसको मिलेगा, जो ऑलरेडी है उन लोगों को मिलेगा, वो भी उनका जो 29 फरवरी को उनके अकाउंट में जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग जो रहेगा वो उसका 20% उनको मिलेगा। वो 20% पे एक महीने से लोग मार्केट में अपने शॉप या जो ऑफिस है अपना सब बिजनेस है स्टार्ट करके बैठे हैं, लेकिन मार्केट में जनता अभी भी नहीं है, डिमांड नहीं आ रही है उस चीज की लोगों पे। चंद्रमुखी जी मेरा जो सवाल है वह सवाल ये है कि विपक्ष में आप लोग भी हैं, यहाँ पे विरोधी दल में हैं, तो कम से कम प्लेटफॉर्म आज भी खुले हैं, अगर जो राजनीतिक दल अपनी बात करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जनता के बीच जो वर्चुअल रैलियां कर सकते हैं तो आप लोग वर्चुअल विरोध नहीं कर सकते हैं, जनता देखिए। योगेंद्र जी जरूर कर सकते हैं और हमने ये काम शुरू किया हुआ है। सबसे पहले जो लोगों की मेन जो बेसिक नीड थी हर किसी को बिजली का बिल माफ करवाना, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट पहले से पिछले 6 साल से 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है लोगों को, और ये क्या हमारी सरकार, हम अपने विधायकों का 5 साल तक बिजली का बिल भर रहे हैं, वो हमारा 3-4 महीने ऐसे टाइम पे बिजली का बिल नहीं भर सकते, उसमें आते हैं कि आपके कनेक्शन कट कर दिए जाएंगे, क्यों कट कर दिए जाएंगे, इसके लिए हमने अभी एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, उसके लिए हम वर्चुअल रैलीज भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों से डायरेक्ट मिलना करना उन लोगों को, ये हमारा राइट है, हमें लेना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आके अपने आप नहीं देने वाली है, वो हमें लेना पड़ेगा और वो काम शुरू किया। तो आप विरोध तो दर्ज कराइए, मैं आप लोगों को आपको मैं कोई इस तरह की वैसे राय नहीं दे रहा, लेकिन ये आपकी अपनी सोच है कि विपक्ष की भूमिका होती है विरोधी दलों की, जरूर बनती है कि हम उसका विरोध करें, अगर ये लग रहा है कि बिल्कुल गलत कर रही है सरकारें तो उस कदम का विरोध करना चाहिए, लोकतंत्र की यही तो ड्यूटी है, लोकतंत्र की ड्यूटी है और ये काम हमने शुरू किया हुआ है और उसमें सबसे पहले होता है जनता को जागरूक करना। सरकार आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, फिर पलट के बीजेपी आना है, उसमें होना क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने अपने जो टैक्स कट रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है, अभी जो अपना फंड लिया वो फंड से किसको रिलीफ मिला, ये विधायकों की खरीद फरोख्त में जा रहा है, तो इस चीज के लिए हम लोगों ने अभी जनता को पब्लिकली मतलब लोगों से चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा मैं बगई साहब के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। बगई साहब, मैं इस तेल के खेल में एक बार जरा समझना चाहता हूँ, सरकारों की नियत नहीं होती जनता को राहत देना या फिर सही फरमा रहे हैं और मकसद होता है, वजह क्या, आप लोग तो काफी लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान सरकार की 38% तो पेट्रोल के ऊपर वैट है, आप सोचिए जिस रेट में आ रहा है उस पे 38% पेट्रोल पे वैट है, 28% डीजल के ऊपर। कोविड के दौरान ही दो बार बड़े चुपचाप तरीके से बढ़ा दिया गया इसको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीन बार बढ़ाया, और उसके अलावा पेट्रोल पे रोड डेवलपमेंट सेस है 1.5 रुपए लीटर और डीजल पे है 1.75 रुपए। ये रोड डेवलपमेंट का कार्य चालू हुआ था आज से करीब 12-15 साल पहले और तय किया था भाई 2-2.5 साल में टैक्स लेके इसको बंद कर देंगे, लेकिन बंद करने की बजाय इसको 25 पैसे से 6-6 गुना बढ़ा दिया गया। आप सोचिए कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि टैक्स बढ़ाने से ही क्या सरकारें चलेंगी। मैंने कितनी बार फोरम पे रखा है कि समय आ गया है जबकि सरकारों को नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए कोई मेंबर बनाने चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए। आज टैक्स लगा लगा के जनता के ऊपर कितना भार डालेंगे और कब तक डालेंगे, अगर आप उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ा भी देते हैं और टैक्स लगा के उससे ज्यादा वापस ले लेते हैं
तो जनता तो कभी भी उससे उभर ही नहीं पाएगी। जब तक ये टैक्स को रैशनलाइज नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक रेट नहीं करेंगे, और टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू मॉडल जो कि बहुत जरूरी है और बहुत सारे देशों में है, अगर आप देखें आज की डेट में जो विकसित देश हैं वो अपने सिटीजन को तकलीफ के टाइम में, जैसे कि जर्मनी ने अपने जीडीपी का 60% सपोर्ट किया है, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत में जीडीपी का 1% सपोर्ट मिला है। आप सोचिए कि कितना फर्क है। तो हम वापस कैसे पटरी पे आ पाएंगे? और ये पेट्रोल डीजल के खेल से ही काम नहीं चलेगा, इसको एक रेट फिक्स करना पड़ेगा और पूरे भारत में इसका एक रेट होना चाहिए, ताकि जो भी जहां काम में ले उसकी प्रोडक्शन की प्राइस या उसकी कार्य प्रणाली एक बेस रेट पे। जानना चाहूंगा बगई साहब, एक बात और जानना चाहूंगा, अभी आपको अच्छे से ध्यान होगा कि जब निर्मला जी ने 5 दिन तक प्रेस ब्रीफिंग की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, जिसमें 12 पॉइंट कुछ लाख करोड़ का रहा, 7 पॉइंट कुछ का पहले अनाउंस हो चुका था, इसमें एक बात कही थी आपने को ध्यान होगा कि सभी सरकारी उपक्रम निजी निवेश के लिए खुले रहेंगे। क्या लग रहा आपको कि ये जो नवरत्न कंपनियां हैं आपके, जिसमें फ्यूल कंपनियां भी हैं, इनकी और भी कहीं कोई प्राइवेट कंपनियां घुस सकती हैं इसमें? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का तो पहले से ही चल रहा है, ये तो COVID-19 की वजह से डिले हो गया, नहीं तो भारत पेट्रोलियम तो प्राइवेट सेक्टर में पहले ही चली जाती। प्राइवेटाइजेशन कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है, परंतु अगर ये टैक्स ही नहीं कम करेंगे तो प्राइवेट कंपनी आके भी इससे ज्यादा मुनाफा कमाएंगी, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बेटर होती है, तो अल्टीमेटली भार तो जनता पे ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी काम करे चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी करे। और चैरिटी के लिए वो लोग भी नहीं आएंगे, कमाने ही आएंगे, कमाने आएंगे और इनसे ज्यादा कमाएंगे। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगाइए शील दवाई जी कि क्या होने वाला है इस देश के अंदर। एक तरफ डर कोरोना ना हो जाए, दूसरी तरफ जेब पे भारी पड़ता जा रहा है। आप सोचिए, आप लोगों ने बड़े विरोध किए थे इसके। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ, आप सभी राजनीतिक दलों के हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हो, क्या वास्तव में जब हम विपक्ष में होते हैं तो नजरिया कुछ अलग होता है, जब सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं तो परिस्थितियों के अनुकूल काम करना पड़ता है, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, आज जो परिस्थिति है, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती और परिस्थितियां बदलती भी रहती हैं, तो परिस्थितियों के अनुकूल देश हित में, जनता के हित में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनका दूरगामी परिणाम आता है। अभी हम कोरोना की बात करें, जब दूसरी पार्टियों की सरकारें होती हैं तो उस वक्त भी भरोसा रखना चाहिए कि उन्होंने जो लिया होगा निश्चित रूप से देश हित में फैसला लिया होगा। आप आउटपुट देखिए ना, जो फैसले लिए उनका आउटपुट कुछ समय बाद निकल के आता है, जब आउटपुट सामने आता है तो उस पर तो रिएक्ट होना ही करना ही पड़ता है, रिएक्ट करते ही है, और अकॉर्डिंग जो आउटपुट को वही ध्यान में रखते हुए कि आगे के डिसीजन लिए जाते हैं। अब आप आज की बात देखिए, आप जिस तरह से कोरोना से युद्ध लड़ा जा रहा है, भारत जिस तरह से उभर कर निकला है, जिस तरह से आज पूरे विश्व के लोगों ने माना कि जिस COVID-19 की जो लड़ाई जिस तरह से भारत ने लड़ी है उसके लोग अनुकरण कर रहे हैं। और एक बात, खास बात ये है, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ कर रहे हैं, खुद भी दिल से तारीफ करते हैं, हिंदुस्तान से बेहतर कोई नहीं है दुनिया के अंदर, हम कहां से कहां जंप लगा के कोरोना में पहुंच गए, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि फ्यूल प्राइस, जो व्यक्ति महंगाई को देख करके, जो महंगाई को देख करके, ये तो तय मानिए साहब, अभी की बच्चों की स्कूलें बंद हैं, कहीं आप सफर पे नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने नहीं जा पा रहे हैं, और इस पर करे गोलियों की आपको आवश्यकता नहीं पड़े कि किसी को दवा लेनी पड़े, आप ये सोच सकती हैं? केवल अभी तो एक ही फिक्र है कि आपको काम पे जाना है, घर में जो बना उसको खा पी करके सो जाना है। जब लोग उसी रूटीन में आएंगे तब पॉकेट का पता लगेगा कि हमारी पोजीशन क्या है। एक तरफ बेरोजगारी फैल रही है, दूसरी तरफ महंगाई की चिंता नहीं है सरकारों को, सरकारों को सिर्फ अपनी चिंता है। जनता को आप लोग कह रहे हैं कि बेहतर हमने स्थितियां कर दी, कोई बेहतर स्थितियां नहीं की हैं, ये लोगों की अपनी मानसिकता, उनका एक ये कह सकता हूं मनोबल, उसकी वजह से फिर भी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। कोरोना तो फैलता जा रहा है लेकिन चलिए रिकवरी रेट है, उनकी इम्यूनिटी जो पावर है उसकी वजह से काफी रिकवर है। हॉस्पिटल्स की स्थितियां देखिए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, जो एक्शन गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए, और आप लोग अभी भी दम भर रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्थितियां बहुत ही बेहतर है। किससे बेहतर है? उनकी खुद की वजह से बेहतर है। बेहतर तो तब होती है कि जब माइग्रेंट लेबर्स को या जो लोग निकल करके जा रहे हैं तो उनको सही समय रहते हम पहुंचाते, तो आज हिंदुस्तान रियल में बहुत बेहतर पोजिशन में होता, ये स्थितियां नहीं होती। उस वक्त देश के अंदर 31 मार्च तक 606 पेशेंट थे मात्र, आज देखिए स्थिति कहां पहुंच गई। नहीं योगेंद्र जी, एक चीज कहना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं फ्यूल से जाना नहीं चाह रहा था आगे,
फ्यूल से मैं बदलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप बात करना चाहता हूं सर, गिना रहे हो, इस वजह से आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है। नहीं, मैं फ्यूल की बात करूंगा सर। हमारे देश में, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा मैडम, हमारे देश में और राज्य में बजट क्यों मनाया जाता है? जब बजट बनाया जाता है तो उसमें प्रावधान किया जाता है कि कितने रुपए का टैक्स कलेक्ट होगा और कितने रुपए इस टैक्स के पेटे खर्च होंगे। तो क्या केवल पेट्रोल डीजल पर ही हमेशा टैक्स बढ़ता है? और बजट तो फेल हो गया क्योंकि बजट बनाने का पर्पज ही नहीं रहा। आपने तय किया कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी तो सब पर लगी है, जीएसटी तो सब पर लगी है, मार करिए इसको। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आप बजट को पहले समझिए। आप बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब है कि कितने पैसे मेरे को पेट्रोल डीजल से आने हैं, और आपको लगा भाई कोई भी सेगमेंट कमजोर हो रहा है तो पेट्रोल डीजल को बढ़ा दो, तो बजट बनाना बंद कर दीजिए। कोई जरूरत ही नहीं बजट की आपको बनाने की, दोनों सरकारों को जरूरत नहीं है। जनता के साथ जो मर्जी है ऐड कर लीजिए, जितना मर्जी है टैक्स लगा लीजिए आप। वो यही रहा, पहले बजट का मतलब होता था कि बजट का मतलब हर व्यक्ति को एक इंतजार होता था कि अच्छा बजट अनाउंस हो रहा है, इसका मतलब साल भर के लिए मुझे यही टैक्स पे करना है और मेरा स्लैब ये रहेगा। अब तो कभी भी कुछ कर दीजिए, बजट का कोई औचित्य नहीं रहा। कभी किसी चीज की मंजूरी दे दीजिए, कभी किसी चीज को महंगा कर दीजिए, कभी सस्ते का, तो मेरे ख्याल में जो वर्ड है सस्ते का वाला वो तो डिलीट कर चुके हैं डिक्शनरी से। सस्ता तो कुछ होता ही नहीं हमारे यहाँ पे। पैसे बढ़ाएंगे दस रुपए, उसके बाद में 35 पैसे कम। योगेंद्र जी, उसका मेन रीजन ये हो गया कि अभी जो विधायकों की जो खरीद फरोख्त चल रही है उनके रेट फिक्स नहीं होते। बजट का जो गड़बड़ होने का मेन रीजन है, बैलेंस नहीं बन पाने का, कि कहां से कितनी डिमांड आ गई, कौन से विधायक को कितना अमाउंट ज्यादा देना है, डेवलपमेंट है वो सारा भूल गए हैं, पब्लिक को क्या चाहिए वो सब भूल गए हैं। सिर्फ सरकार के जुगाड़ में, जोड़ तोड़ में ही पूरा टाइम निकले जा रहा है। मैडम ये जोड़ तोड़ तो चलो अभी चला, लेकिन आप तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, बजट की वैल्यू क्या है। आप बजट बना देती हैं सरकारें, खत्म हो जा रहा है उसके तो बाद आप, मैं तो कहता हूँ बजट देखना ही बंद कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि बजट की तो कोई कीमत ही नहीं रही अब। बिल्कुल, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप टैक्स बढ़ा, ये बताइए, हाँ मुझे ये बताइए, चलिए राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ का सब अनाउंसमेंट कर दिया आप लोगों ने, 20 लाख करोड़ रुपए। ये योगेंद्र जी, वो 20 लाख करोड़ किसको रहे हैं, किसको मिल रहे हैं वो? आप जो ये लोन लेने की बात कर रही है शील धाबाई जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जो लोग लोन लेने भी जा रहे हैं ना, उनको लोन भी बैंक लोन नहीं देता, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जनता कर्जदार क्यों बनेगी? क्या जनता के पास पहले ही सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है? और आप कहते हो कि आप लोन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तब आप बीच में बोलती है, सुनने दीजिए ना, हम भी आपके सुन रहे थे। तो देखिए होता क्या है कि रेट कम वाली बात बताइए, आपको रेट कम करने का गणित बताइए, ताकि दर्शकों को ये लगे कि कोई तो हमारी राहत की बात कर रहे हैं। तेल की कीमतों में जो लगातार वृद्धि हुई ना, ये कोविड-19 में कोड में खाश का काम कर गई। जनता एक तो पहले ही परेशान थी, ऊपर से कांग्रेस, सुनिए शील जी रुकिए एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मांग करी कि जब आप सारी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं तो क्यों नहीं फ्यूल को भी आप जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर आप फ्यूल को भी जीएसटी के दायरे में ले आते तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स और सेस रहता, ये सारी चीजें खत्म हो जाती। तो केंद्र का जो नीति और नियत थी, मुझे लगता है उसमें उनके घपला था, वो नहीं चाहते थे कि फ्यूल को हम जीएसटी के दायरे में लाए। अगर आप फ्यूल को भी जीएसटी के दायरे में ले आते तो जिस तरह की जो अभी उनकी मनमानी और तानाशाही चल रही है कि आप ये देखिए 3 जनवरी को जो यूपीए गवर्नमेंट के समय में $125 पर बैलर निरंतर कम होके 18 रुपए तक चला गया, लेकिन क्या दामों में कमी आई? जनता को जहाँ सीधा फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन वो जनता को फायदा नहीं दिया गया। इन्होंने अपने ही खजाने भरे, लेकिन उस खजाने का कहाँ कैसे इस्तेमाल किया संगीता जी, मैं बताना चाहूंगी बिहार चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं वो उसी खजाने से हो रही हैं। नहीं नहीं मैडम, आप लोग ये बताइए कि अगर आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो किसने लिख के दिया कि जीएसटी में ले लिया जाए? आज की राजस्थान सरकार ने कब केंद्र सरकार को कहा कि इसको जीएसटी में ले लिया जाए?
या दिल्ली की गवर्नमेंट ने कब बोला इसको जीएसटी में ले लिया जाए? अगर ये लेने को तैयार है तो तैयार, कोई नहीं कर रहा। सबको मालूम है कि कोई तो ऐसा हमारा एक रास्ता होना चाहिए जब मनमानी कर सके और जनता पे टैक्स ला सके, यही सबसे बड़ी वजह है। देखिए लीटर पे आप लीटर को आपने जीएसटी से फ्री कर रखा है, कोई बात नहीं, चलिए वो कुछ लोगों का है, वो ऐसा शौक है किसी को पीना तो पैसा पे करना पड़ेगा, इसलिए तो हर आम आदमी को, हर आम आदमी की जरूरत नहीं चाहिए। तानाशाही और मनमानी इसी को कहते हैं क्या? फ्यूल को भी जीएसटी में ले आते ना, आपने फ्यूल को जीएसटी में क्यों नहीं लाए? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी ने तो आपसे मांग करी कि आप फ्यूल को भी जीएसटी के दायरे में ले आइए, और बार बार कहा है, आज भी नहीं बार बार कहा है, लेकिन लोग अपनी तानाशाही और मनमानी जो जनता की। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने एक बात शुरू में कही कि जब विपक्ष में होते हैं तो हमारा कुछ नजरिया अलग होता है, और जैसे ही सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो बदल जाता। सुनीत बगई साहब ने यही बात कही, कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी में मांग की, लेकिन राज्य सरकारें कोई जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने की कोई डिमांड नहीं करता। सबको मालूम है कि पैसा चलिए एक जगह पर रखिए, फिर जिस हम इच्छा से वेट करना चाहते हैं। राहुल जी विपक्ष की भूमिका भी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, उन्होंने जो देश के अच्छे अच्छे जो अर्थशास्त्री हैं उनसे उन्होंने संवाद कायम करके ये पूछा कि हमारे देश की स्थितियां कैसे बेहतर हो सकती हैं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी, क्या उन्होंने कभी किसी से संवाद करने की कोशिश करी? क्या जनता से वो डायरेक्ट रूप सिर्फ मन की बात कहना नहीं होता, जनता की बात भी सुननी पड़ती है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या कहना चाह रही है, ये नहीं सुनना चाहते वो सिर्फ कर रही है। संगीता जी आप इसे उचित मान रही हैं क्या, जो टैक्स लगा रही हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके, वह उचित मान रहे हैं आप उसे? सही कह रहे हैं चिंता भाई जी, तो कह चुके परिस्थितियों के अनुसार डिपेंड कर रहा है, राज्य सरकार को करना चाहिए। 72,000 एलईडी लगाकर वर्चुअल रैली कर सकते हैं लेकिन जनता को राहत नहीं दे सकते? अरे जनता को 7,500 रुपए दे देते ना आप 72,000 एलईडी लगा रहे हो तो 7,500 रुपए डायरेक्ट दे देते। हम तो यही कह रहे हैं कि आप कह रहे हो लोन लो तो जनता को आप कर्जदार बनाना चाह रहे हो, जबकि उसके पास क्या हो रहा है मजेदार बात है, यही मजेदार बात है कि अपने मुद्दे पे कोई जवाब नहीं देता है और सामने वाले की कमियों की लिस्ट होती है आप लोगों के पास में, इनके वक्त ऐसा हो रहा है, इन्होंने ये किया। जनता ये जानना चाहती है कि हम पर बेवजह फ्यूल में जो टैक्स लादा जा रहा है इसे कम करिए, जनता की कमर टूट रही है, उस वजन को नहीं उठा पा रही है, आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने आपको यही कहा कि इन लोगों ने जो पैसा कमाया पिछले 6 साल का रिकॉर्ड कि 12 बार तो केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाया है 12 बार, और हमारा मात्र इकलौता ऐसा देश है जो 70% टैक्स देने वाला फ्यूल पर 70% टैक्स देने वाला देश है। बड़ी विडंबना और अफसोस है कि हम 70% टैक्स दे रहे हैं, जो फ्यूल हमें 20 रुपए में मिल जाना चाहिए उसका दाम हम 70 से ऊपर हम 80-82 तक दे रहे हैं। आप यूपी बढ़ाया, राजस्थान की और एनडीए गवर्नमेंट की शासन की तुलना कर लीजिए आप, यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट के शासन की तुलना कर लीजिए। यूपीए गवर्नमेंट के समय में $125 पर बैरल तक जो चार्ज थे, क्रूड ऑयल के दाम थे, इंटरनेशनल मार्केट की जो मैं दाम की बात कर रही हूँ, वो आज पिछले 6 सालों में हमने देखा कि निरंतर और लगातार कम है, यानी कि समय कम है मेरे पास। मैं शील जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, आप जरा बता दीजिए कि आपने कह दिया कि परिस्थिति के अनुकूल होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं। मुझे तो ये बताइए कि दो बातें होती हैं, या तो परिस्थितियों पे भरोसा रखिए कि जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे किया जाएगा, या फिर विपक्ष में रह करके जनता को क्यों तकलीफ देते हो कि आज रास्ते बंद कर रहे हैं, हम भारत बंद कर रहे हैं, कि हम आपके आंसू पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता की कुर्सी बैठते हो तो लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं कि आपने हमारे साथ बहुत दिया, आंदोलन कर करके हमारे भी लट पटवाए, आप लोगों ने भी अपने लट पटवाए, लेकिन उसके बावजूद जब बैठते हैं तो परिस्थितियां याद आ जाती हैं। नहीं योगेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिस तरह से तेल से भ्रष्टाचार का क्या संबंध आ रहा है मैडम? तेल से भ्रष्टाचार का कोई संबंध नहीं है, तेल भ्रष्टाचार का कोई संबंध नहीं है। आप तेल में देखिए, तेल में अगर 1 लीटर जा रहा है तो 1 लीटर जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड है। अगर $125 प्रति बैरल अगर फ्यूल प्राइस हो तो भी 70 के आसपास,
और जब अगर 40 के नीचे हो, 30 के आसपास हो, 30 से भी नीचे हो, तो भी फिर 80-82 दे रहे हो, तो ये तो की तो जस्टिफाई करिए। आपको नहीं सिर्फ राजनीतिक दलों को ये मैसेज होता है कि जनता कभी जवाब नहीं मांग सकती, हमें तो वो स्पेस का भी पैसा देना पड़ रहा है, स्पेस ही नहीं है क्रूड ऑयल रखने के लिए, उसका भी मतलब स्पेस के लिए भी बल्कि पैसा था। मैं सील दवाई जी जवाब चाह रहा हूं, आप इसको जवाब नहीं दे पा रही हैं, इनको सील दवाई जी को जवाब नहीं बढ़ाते, नहीं आप राजस्थान में नहीं बढ़ाते, राजस्थान की जनता भूखी मर रही है, बीमारी से मर रही है, उसके इलाज में पैसा खर्च करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, आप जो योगेंद्र जी, योगेंद्र जी मैं पूछना चाहूंगी, पिछले तीन महीने से हम देख रहे हैं दोनों ही सरकार ने क्या हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ किया? हमारे देश में हालत दर बदर बढ़ती जा रही है, 3 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं और सुनने में आता है कि मरीज को हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। क्या हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी राज्य सरकार की लोगों में इतनी दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों में इतना दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग घर से निकलने में इतना डर रहे हैं, तो हमारी सरकार ने पिछले केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल में कोई हॉस्पिटल सुविधा को लेकर क्या कुछ किया है? क्या वो बताना चाहेंगे कि आगे उनकी योजना क्या है? आपके पास आना चाह रहा हूँ, जिस तरह से पार्टियों के स्पोक्स पर्सन अपनी बात उस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ उम्मीद है कि इसका एक ही तरीका है। मैं आज आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूंगा कि जर्मनी में जब टैक्स बढ़ाया था, लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क के बीचों बीच खड़ी करके चाबी लेके घर चले गए थे और 4 घंटे में सरकारों ने टैक्स वापस ले लिया था। अगर जनता चाहे तो आज ये काम करके दिखाए और सरकारों को अपना टैक्स वापस लेना पड़ेगा। जी मैं भी बघेल जी का संपूर्ण समर्थन करना चाहूंगी, हमें कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल चल रहा है उसको खत्म करके जनता को एक साथ होना होगा और आगे आना होगा। मैं कोई हमें समय कम है, मैं समझ आऊंगा समय कम है, तो चलिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक रास्ता खोले हुए हैं, जीएसटी से बाहर क्या हुआ है, जब इच्छा होती है केंद्र सरकार किसी भी माध्यम से बढ़ा देती है, जब हो राज्य सरकारें बढ़ा देती है, जनता के ऊपर जिस तरह का बोझ लादा जा रहा है, मुझे लगता है कि गैर वाजिब है सरकारों को यह वक्त जिसमें दुहाई दी जाती है कि कोविड के वक्त ऐसा मत करिए, तो सरकार को खुद को भी समझना चाहिए कि कोविड से निपटने के लिए सरकारें निपट रही होंगी, सरकारें काम कर रही होंगी, मैं उसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन जनता की मनोस्थिति का भी आपको ख्याल रखना होगा कि वो किस दौर से गुजर रही है। कम से कम इतना आप गर्दन मत दबाइए कि बिल्कुल यूएस जैसे उस अश्वेत की तरह जान निकल जाए और दुनिया को सड़कों पर आना पड़े। मुझे लगता है कि ये रहम करिए और समय रहते इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो जर्मनी जैसा वो आंदोलन दूर नहीं होगा कि लोगों को सड़क पे आना पड़े और सड़क पे गाड़ियां खड़ी करके और घर चले जाएं अपनी चाबियां लेकर के कि जाइए आप इनको क्रेन से उठवा दीजिए। मुझे लगता है कि जनता एक लिमिट होती है किसी की भी, उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए इस कदर। फ्यूल कंपनियों से जुड़े हुए हैं हमारे बगई साहब, इनका अपना खुद के पंप है, लेकिन इनको खुद को तकलीफ इस बात की है कि बेवजह किस तरह से सरकारों की ओर से जनता पर वजन लादा जा रहा है। कमर तोड़ के मत रखिए ताकि उससे उठना भी बहुत मुश्किल हो, और दर्द इतना भी मत दीजिए कि कराह उठे, तो रहम करिए, बस यही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।